व्हाट्सएप अपने फीचर में लगातार बदलाव करता रहता है। नए साल में भी व्हाट्सएप अपने फीचर में कई बदलाव करने वाला है और ये बदलाव अपने व्हाट्सएप में चैटिंग के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ फीचर्स को बीटा यूजर्स के लिए दिया गया है, बाकी डेवलप किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनके बारे में। व्हाट्सएप जल्द ही iOS यूजर के लिए पिक्चर एंड पिक्चर फीचर लेकर आने वाला है और इस पिक्चर के बाद से यूज़र स्क्रीन पर छोटी विंडो से वीडियो कॉल कर पाएंगे, साथ ही वह दूसरे विंडो पर भी काम कर पाएंगे। अभी अगर यूज़र वीडियो कॉल करते हैं तो दूसरे विंडो पर काम करते हैं तो वीडियो दिखना बंद हो जाता है। व्हाट्सएप यूजर्स ऐप में वीडियो और फोटो वन फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इस फीचर की मदद से कोई भी वीडियो या फोटो दूसरा यूज़र सिर्फ एक बार देख सकता है, वह इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता है। जल्द ही व्हाट्सएप टेक्स्ट के लिए भी यही फीचर लॉन्च करेगा, जिससे लोग पर्सनल मैसेज आसानी से भेज सकेंगे। व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस फीचर लाने वाला है, जिसके ज़रिए आप यूज़र प्राइमरी डिवाइस के अलावा डेस्कटॉप और पीसी में उसी नंबर से लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कैंपेनियन मोड यूज़र को एक ही नंबर से एक से ज़्यादा मोबाइल व्हाट्सएप लॉगिन करने की सुविधा भी मिलेगी। व्हाट्सएप में फिलहाल फ़ोटो और वीडियो लगाने की सुविधा है। जल्दी व्हाट्सएप अपने यूज़र को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वॉइस नोट लगाने की भी इजाज़त देगा।